जुड़िए उत्तर प्रदेश से, जानिए उत्तर प्रदेश को, सब्सक्राइब करें यूपीसीटी न्यूज को। गाजीपुर में कानूनगो से घूस का पैसा वापस कराने का वीडियो हुआ वायरल। जहां कानूनगो से घूस का पैसा वापस कराने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामला कासिमाबाद तहसील का बताया जा रहा है। फरियादी को रिश्वत का पैसा वापस कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाबत बताया जा रहा है कि कासिमाबाद तहसील में तैनात कानूनगो जयप्रकाश पर आरोप है कि उसने क्षेत्र के एक युवक विजय राम से किसी काम के लिए रिश्वत वसूली थी, जिसकी भनक लगने पर एक स्थानीय नेता तहसील पर पहुंचा और कानूनगो को हड़काते हुए रिश्वत की रकम फरियादी को वापस कराई। इस घटना का स्थानीय नेता ने बाकायदा वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। डीएम का दावा है कि मामले की जाँच के बाद दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक अधीनस्थ कर्मचारी को किसी के नेता के द्वारा हड़काने का वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि उसमें घूस लिया जा रहा है, उनके घूस के पैसे को वापस कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर, किस तरह का? मुझे जानकारी मिल चुकी है, एसडीएम कासिमाबाद को मैंने निर्देशित किया है कि इस प्रकरण में मुझे शाम तक बताएं कि क्या मामला है और वीडियो क्लिपिंग में जो बातें दिखाई जा रही सत्यता कितनी है। बट अगर जानबूझ करके किसी कर्मचारी या अधिकारी को कोई परेशान करने का प्रयास कर रहा तो ये गलत है। बट हमें ये भी देखना होगा कि उस कर्मचारी अधिकारी ने तो अपने स्तर से कोई गलती तो नहीं करी है या किसी को प्रताड़ित तो नहीं किया है, क्योंकि बिना जांच के, बिना एसडीएम की रिपोर्ट के हम अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। बट इतना आपको श्योर जरूर कराता हूँ कि कोई अनावश्यक किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी आदमी हो, कोई किसी को अनुचित ढंग से परेशान नहीं करने पाएगा।